गाइस, पहले मेरे मूवमेंट एकदम लुल हुआ करती थी, लेकिन जब से मेरे पास आईफोन आया तब से मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि सो यार देखो, आज से 2 साल पहले बंदों को हेड मारने आ जाए वो ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बोले तो अगर तुम्हें ड्रैग आता था तो ही तुम प्रो हो भाई, मुंह की बात छील ली। लेकिन फिर जिंदगी ने रुख कुछ मोड़ लिया, ऐसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। हाँ, वक्त बदला और लॉन्डो की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई और वक्त आया 2021। और अब इधर के रूल सुनो, प्रो बनना है तो सबसे पहले तुम्हें ड्रैग तो मारना आना ही चाहिए, लेकिन ड्रैग नहीं बन टैब, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ड्रैग तो बच्चे भी मार लेते हैं। एनीवेज, और तुम्हें अच्छी ग्लू बॉल लगानी तो आनी ही चाहिए। एंड जो अब सबसे बड़ी बात है वो है तुम्हारी मूवमेंट स्पीड, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम्हारी कुछ ही बंदे इज्जत करेंगे। कुछ भी? अरे भैया अपने राकेश 007 को ही ले लो, इज्जत है पर नाम नहीं। और हाँ, मुझे नहीं पता तुम किसके फैन हो, राकेश जैसे या फिर राइ स्टार जैसे, लेकिन हाँ जिसके भी फैन हो एक बार नाम जरूर लिख देना, ठीक है? एनीवेज, ठीक उसी तरह आजकल तुम्हें ना हमारे गेम में सिर्फ 2 टाइप के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो मूवमेंट स्पीड को कुछ इस नजर से देखते हैं, ओए देख उस बंदर को कैसे उछल रहा है। अबे कोई बात नहीं, अभी जवानी है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। और एक वो लोग जिन्हें बंदों के अंदर और कुछ नहीं दिखता, बस दिखता है तो उनकी मूवमेंट स्पीड। अरे भाई देखना क्या ही मूवमेंट स्पीड है भाई, अरे भाई क्या ही जहर खेल रहा है भाई, नांग बना दिया, नांग लहरा है, ऐसे लहरा, ऐसे लहरा। लव यू भाई, लव यू, मजा आ गया भाई। ले मर गया तेरा मूवमेंट स्पीड। हाँ कुछ ऐसा ही होता है जब तुम किसी फ्री फायर प्लेयर की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दो, फिर झेलो उसकी मूवमेंट स्पीड फालतू की। और यार तुम मानोगे नहीं, कुछ बंदे तो ओवर स्पीड दिखाने के चक्कर में ना हग भी देते हैं, सीरियसली। चलो छोड़ो ये सब बात है, अब बात करते हैं कि मूवमेंट स्पीड के फायदे क्या हैं। नंबर 1, अब देखो कुछ लोग मूवमेंट स्पीड क्यों दिखाते हैं, बाय चांस अगर उसके ग्रुप में कोई लड़की है एंड अगर वो लड़की उसको एक्सपेक्टेड कर रही है तो हमारे पता है लॉन्डो का क्या ख्याल रहता है, अरे भैया मूवमेंट स्पीड दिखाकर ही लॉन्डिया को सैड कर लेंगे। अब तो सुनो, देखो तुम मूवमेंट स्पीड दिखाने के चक्कर में खुद मर जाओ वो बात अलग है, लेकिन तुम लॉन्डिया सैड करो ना करो वो बात अलग है, लेकिन तुम 2-4 लॉन्डे जरूर सैड कर लोगे जो कि तुम्हें बाद में कुछ यू बोलेंगे, सर बिग फैन, सर बिग फैन, रिक्वेस्ट ले लो, खत्म। अब इसका एक अच्छा भी फायदा, ये नहीं कि इसके सब बुरे बुरे फायदे, देखो इसका अच्छा फायदा क्या है। सबसे पहली बात, अगर तुम किसी से बन भी बन करते हो ना तो तुम्हें सामने वाले के पास मूवमेंट स्पीड नहीं है एंड अगर तुम्हारे पास मूवमेंट स्पीड है तो तुम उसको इजीली हरा सकते हो, क्योंकि सामने वाला बंदा तो कन्फ्यूज हो जाएगा तुम्हारे मूवमेंट के चक्कर में। सो हाँ, तुम उधर पे उसको इजीली हरा सकते हो अगर तुम्हारे पास मूवमेंट स्पीड है तो। अब देखो जो हमारा नंबर 3 वाला फायदा पता है वो बहुत जहर है। अगर देखो, अगर तुम भी यूट्यूब पर वीडियो छोड़ना चाहते हो एंड अगर तुम भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो देखो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास मूवमेंट स्पीड है एंड अगर तुम मूवमेंट स्पीड के साथ साथ किसी को बन टैप भी मारना जानते हो, यानी कि कस्टम में तुम भले ही अपने दोस्तों को पेलो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें मूवमेंट स्पीड के साथ साथ तुम बन टैप मारना जानते हो सो तुम उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर चढ़ा सकते हो एंड ले सकते हो हजारों लाखों में सब्सक्राइबर, हजारों में लाइक एंड फिर तुम भी जाओगे यूट्यूबर, मस्त प्लान है। अब देखो उसका जो 4th नंबर फायदा है ना वो ये है कि अगर देखो तुम्हारे पास स्पीड है तो तुम किसी भी एक स्क्वाड को आराम से हैंडल कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पास स्पीड है तो तुम किसी 2-3 बंदों को इजीली हैंडल कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास स्पीड है, ठीक है? क्योंकि देखो सोलो वर्सेस स्क्वाड करने के लिए या फिर अगर तुम्हारे बाई चांस कोई सोलो वर्सेस स्क्वाड का सीन आ जाता है ना, या फिर तुम क्लैश स्क्वाड यानी कि कस्टम खेलते हो, कस्टम जो रूम मैच खेलते हो, तो उसमें तुम्हारे लिए स्पीड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो सामने हमेशा 1-2 या नहीं कम से कम 3-3 बंदे, 4-4 बंदे कभी तुम्हारे ऊपर चढ़ भी जाते हैं तो तुम कम से कम उससे बच तो सकते हो ना, एंड अगर तुम्हारे पास एक अच्छी स्पीड हुई, अच्छा एम हुआ तो तुम उसको इजीली अपने उनके आसपास कंफ्यूज करके उसको स्क्वाड को इजीली मार भी सकते हो। सो हाँ, ये सब पॉसिबल होगा जब तुम्हारे पास मूवमेंट स्पीड होगी। सो वीडियो को तुम जरूर देखो। सो देखो, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं गेम में पैसे नहीं लगाता हूं, लेकिन 1 सेकंड, मेरी आईडी में इतने सारे डायमंड किधर से आए? तो देखो, ये मैंने एक ट्रिक से लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी इस ट्रिक से फ्री में डायमंड लूट सको। और हां, पहले ही बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो जो मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसी से जाके तुम्हें डाउनलोड करना है, ठीक है? उसके बाद इस ऐप्स को तुम्हें डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है एंड फिर सिंपली फोन नंबर से तुम्हें लॉग इन कर लेना है, बस इतना काम करना है। इतना काम करने से आप फ्री में डायमंड एंड आलोक ले सकते हो, तो जाओ भाई लोग डाउनलोड करो एंड डाउनलोड करने का कोई पैसा थोड़ी ना लगना है। एंड अगर तुम्हें ऐप्स पसंद नहीं आता है तो सिंपली डिलीट कर देना, बट एक बार डाउनलोड करके जरूर देखो। एंड हाँ, फ्री की चीज मैं तो देखो भाई मिस बिल्कुल नहीं करता, अब आपका पता नहीं।
अब देखो स्पीड तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाएंगी। अगर तुम्हारे पास सिंपल सी 1GB रैम वाला फोन होगा तो तुम उसमें थोड़ी ना राइट स्टार जैसी मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास आईफोन होगा या फिर कोई बड़ा डिवाइस होगा तो तुम उसमें राइट स्टार जैसी मूवमेंट कर सकते हो। सो देखो, अगर आईफोन है तो भैया तुम्हें कुछ जरूरत ही नहीं है, उसमें वैसे इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर बंदों के पास सिंपल सा फ़ोन होता है एंड्रॉयड, एंड मेरे पास भी एंड्रॉयड ही है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी सेटिंग है जिसमें हम अपने फ़ोन को फास्ट बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी जो गेम की सेंसिटिविटी उसको तो तुम्हें पता है 100 करनी है, ठीक है। हाँ, ये तुम्हें पता था, मुझे पता है, ठीक है, मैं पका नहीं था। और सबसे देखो दूसरी बात क्या है, तुम्हें अपनी जो है डिवाइस में जाना है, एंड डिवाइस में जाकर तुम्हें अपनी मोबाइल की जो DPI है, अब तुम में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि DPI आकर होती क्या है। बेसिकली देखो, DPI बढ़ाने से तुम्हारे मोबाइल की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब तुम्हारी जब मोबाइल की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो तुम्हें सिंपल सी बात है, तुम्हें एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी मिलेगी जिससे तुम मूवमेंट इजीली कर सकते हो। अब उसे ऑन कैसे करनी है, उससे क्या फ़ायदे, उससे क्या घाटे, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं। सो ये देखो, ये है ना वीडियो, जाओ इस पे क्लिक कर देना इसके बाद, लेकिन इसको जरूर देख लो पहले। और तुम्हें अपने गेम में जाके एक चीज़ को और ऑन करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहा है ना तुम्हें फ्री लोग, तुम्हें इसको ऑन कर लेना है। लेकिन तुम्हें इसी के देखो, अब तुम्हें जाना है सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी में जाके ये तुम्हें देखो, यहाँ पर तुम्हें कुछ सेंसिटिविटी मिलेगी। सो तुम्हें इसको देखो 50 से नीचे करना है, क्योंकि यार मानो ना मानो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और इससे जो तुम्हारी जो क्या कहते हैं तुम्हारी जो मूवमेंट होगी ना, वो इतना मतलब एकदम इतनी जहर मूवमेंट होगी ना कि जो तुम्हें बंदा एक्सपेक्टेड कर रहा होगा ना, वो एकदम घूम जाएगा भैया क्या ही मूवमेंट कर रहा है। अब भले तुम्हारे पास 1GB 2GB रैम वाला फ़ोन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इसको यूज करते हो, इस वाली आई को अगर तुम यूज करते हो, तो तुम्हारी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा जहर होने वाली है। देखो, तुम्हें सबसे पहले अपने कस्टम मोड में जाना है। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारी आई वाला जो फीचर है ना, इसको अपने आसपास रखना है। जब भी तुम रन करो या फिर जब भी तुम गन वेपन स्विच करो ना, तो तुम इसको यूज करो। तुम्हें देखो भागते भागते इसको तुरंत एकदम से ऐसे करना है, लेफ्ट या राइट साइड करना है, तो तुम्हारी एकदम से इतनी हार्ड मूवमेंट होगी। देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो तुम्हें राइट साइड, जो तुम्हारे राइट साइड है तुम्हारा राइट साइड, ठीक है, तुम्हें इस वाले हैंड से अपने उसको क्लिक करना है, ठीक है, होल्ड करना है। एंड देखो, अब तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट से राइट लेके जाना है, ठीक है। देखो ऐसे लेफ्ट से राइट लेके जाओगे, एंड वहां पर तुम्हें छोड़ देना है। अब देखो, तुम जैसे ही छोड़ोगे ना, एकदम मतलब कति भयानक कति डेंजर वाली मूवमेंट स्पीड तुम्हें शो होगी। सो ये तुम्हें भी शो नहीं होगी, एंड तुम्हें तो देखो शो होगी सामने सामने जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड कर रहा होगा ना बंदा, उसे भी ये वाली मूवमेंट स्पीड शो होगी। अब देखो तुम्हें इसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले देखो, जब भी तुम किसी बंदे को डाउन करो या फिर तुम जब भी किसी बंदे को मतलब वन टैप मारो ना, तो तुम्हें उसके बाद तुरंत ये वाली मूवमेंट शो करनी है। देखो तुम्हें कैसे करनी है, तुम्हें सिंपल सा है, स्वाइप ही तो करना है, बस तुम्हें लेफ्ट से राइट थोड़ा स्वाइप करना है, एंड तुम्हें छोड़ देना है, तुम्हारी मूवमेंट स्पीड वैसी हो जाएगी। एंड अगर तुम किसी बंदे को वन टैप मारने जा रहे हो तो तुम उससे पहले भी ये मूवमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें एम की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी एक नेक्स्ट लेवल पर काम करती है, जो कि अभी तक मैं भी नहीं संभाल पाया, तो फिर तुम तो संभाल लोगे। हाँ, अगर देखो तुम्हारे पास एक अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे इसकी, तो तुम भी संभाल लोगे, एंड राइट स्टार जैसी मूवमेंट ईजिली ले सकते हो तुम लोग ईजिली। अब बात करते हैं कि आखिर इसके साथ हम वन टैप प्लस मूवमेंट कैसे करें, ठीक है। वन टैप अगर देखो, अगर तुम इस आई के साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ अगर तुम किसी को वन टैप मारना चाहते हो ना, यानी कि अगर तुम इसके साथ साथ किसी को वन टैप मारोगे, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा कूल लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा ऑसम लगेगा ना ये वाला। देखो मैं तुम्हें कैसे दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरे से भले ही थोड़ा मैंने देखो ट्रेनिंग में प्रैक्टिस किया, एंड मेरे से जितना हुआ मैंने उतना किया, लेकिन कितना ऑसम लगता है जब ये वाली मूवमेंट होती है ना, कितना ऑसम लगता है जब भी किसी बंदे को मारते हैं। एंड अगर तुम ऐसे ही क्लिप बना बना के अगर यूट्यूब पर भी डालोगे ना, तो तुम्हें भर भर के लाइक मिलेंगे, मानो भाई भर भर के लाइक मिलेंगे। अगर तुम ऐसी मूवमेंट के साथ ऐसे किसी को वन टैप मारोगे या फिर किसी को कुछ भी ऐसे मारोगे ना, तुम्हें भर भर के लाइक मिलेगी। और इसका बस तुम्हें इसमें देखो, ये नॉर्मल सी बात नहीं है, बस तुम्हें इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि मेरे को लगता है इजीली हो जाएगा। 4-5 दिन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आखिर कितनी देर में कितना रोटेट होता है। एंड बस तुम्हें रोटेट करके एम ही को तो रखना है, बस एम को रेड करो बंदे के ऊपर थोड़ा, और फिर उसके बाद तुरंत बस सीधा ड्रैग कर दो, जिससे कि तुम्हारा इजीली हेडशॉट भी लग जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।